अस्सलाम वालेकुम, आज आपके साथ बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही जूसी और बाहर से चटपटी चटखारेदार बनकर तैयार होती है। कुछ ही मसालों के साथ इसे हम बनाएंगे। झटपट सी रेसिपी है। ईद आने वाली है, इस ईद पर आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 800 ग्राम बोनलेस बीफ। आप इस रेसिपी को चिकन के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गोश्त किस तरह से मैंने लिया है। इसके ना क्यूब्स में थोड़े से मोटे मोटे आप इसके क्यूब्स रखवाइएगा, या फिर खुद आप घर पर गोश्त लेकर इसको खुद भी काट सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला है 2.5 से 3 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ मैंने इसमें डाला है 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। मैंने अपने जायके के मुताबिक लाल मिर्चें रखी हैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है वो इसमें डालेंगे, और येलो फूड कलर इसमें डाला है 1/4 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को और बीफ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इस गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप जब देखें, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, जब देखें कि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है उसके बाद आप इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर ढककर रख दीजिएगा। और प्रेशर कुकर में भी जब एक सीटी आना स्टार्ट हो जाएगी ना, उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट इसको प्रेशर कुक करना है, और 15 मिनट से ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना, ताकि बोटी टूटनी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होनी चाहिए। और मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब ढककर इसको 15 मिनट तक मैं पकाऊँगी। तो यहाँ पर 15 से 16 मिनट गुजर चुके थे, आप देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो बस इसको अब मज़ीद ड्राई नहीं करना, ताकि ये अंदर से ना जूसी रहे, और बोटी बहुत अच्छे से गल चुकी है यहाँ पर। अच्छा, अब इस पॉइंट पर क्योंकि बोटी गल चुकी है, इसको आप चाहें तो 1 से 2 महीने तक के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं, किसी एयरटाइट कंटेनर में डालें या फिर जिपलॉक बैग में डालकर। अब इसमें थोड़े से मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1/2 खाने का चम्मच, और कुटा हुआ धनिया मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, और थोड़ी सी आपने सूखी मेथी इसका इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना वरना इसका टेस्ट ना ख़राब हो जाता है खाने का। और कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे 2 से 2.5 खाने के चम्मच, ये आप लाजमी दीजिए डालिएगा, ये बाइंडिंग का काम देगा बोटी को ना, और जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं वो सारे बोटी के साथ अच्छे से चिपक जाएंगे। अब यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, और फिर आपने 1 बाय 1 ये बोटियाँ इसमें डाल देनी है। और इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने इनको फ्राई नहीं करना, यानी ओवर कुक आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने इनको फ्राई करना है, जब तक कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर नहीं आ जाता या फिर कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आपने इसकी उलट पुलट करके इसको हर तरफ से कलर दे देना है, और 2 से 3 मिनट लगेंगे ये बोटी फ्राई हो जाएगी। यहाँ पर जो मेन टिप है ना आपके लिए, वो यही है कि आपने इसको ओवर फ्राई नहीं करना, वरना ये अंदर से जूसी नहीं रहेगी। इसका जितना भी बोटी का पानी होगा वो सारा ऑयल में सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो फिर बोटी खाने का मज़ा नहीं आता अगर वो अंदर से जूसी ना हो तो। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, आपने एज इट इसी तरह से फॉलो करना है। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बड़ी ईद आने वाली है, बड़ी ईद पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। झटपट सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटी फ्राई हो चुकी है, इसको डिश आउट कर लेंगे। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, इसके साथ आप लेमन रखें, सलाद के साथ आप इसको सर्व करें, उफ़ मज़ा आ जाएगा। और अभी मैं आपको बोटी को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी जूसी है। प्रेशर कुकर में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको 15 मिनट तक के लिए गलाया था और आप देख सकते हैं बहुत ही नरम, मुलायम और बहुत ही जूसी, चटकारेदार ये बोटी बनकर तैयार होती है। ज़रूर बनाएं और इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए, आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मेरे साथ लाजमी शेयर करें। और ये देखें, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये अंदर से बहुत जूसी होती है, जैसे ही मुँह में रखेंगे घुल जाएगी, लेकिन खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताया करें, और इनके फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है आइस एंड स्पाइस .pk। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।